इस हफ्ते हमारी टीम ने हमारे वॉलेंटियर्स के साथ एक हार्मलेस सा प्रैंक किया और एंड में सबको एक अच्छी सीख मिली। बेसिकली हम लोग नया चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मैंने एक और ब्रश भेजी थी ना, कहाँ है, काउस को ब्रश कराना है। एक एक करके ट्राई करेंगे ना। राजकुमार का करोगे पहले? राजकुमार नहीं, पहले लार्ज एनिमल कर लेते हैं ना। त्रिकोण त्रिकोण व्हाइट वाला बुल सिंह मार रही है वो नहीं मार रही, मुंह खोलना पड़ेगा एक होता है तो एक को मुंह खुलाना पड़ेगा ना। क्या है भाई, सेकंड में जल्दी, हम तो हम भी 3 मिनट करते हैं यार, कोई और कंटिन्यू कर लो। इसलिए तो ब्रश करा रहे हैं ना हम। नहीं दिनेश भैया खुद ही पकड़ेंगे ना, ये पकड़ेंगे, हाँ पकड़ लेंगे, करो। नहीं क्या चाहते हैं आप, हाथ डालो मेरा। ब्रश करने से कभी किसी का हाथ टूटा है? एक नंबर। छोटे बच्चों का तो ये करी ना, आगे आगे से कर, मैंने ऊपर से तो कर दिया। कहाँ से कर दिया आपने? यहाँ से आप कर चुके हैं। हमारे देश के युवा हैं जो बैलों का टूथब्रश कर रहे हैं। जाग तो बन नहीं रहे इसके, बन तो गया, इतना सर्फ डाल लेते हैं। तुमने क्या डाला है कुछ केस में? पेस्ट। ये उल्लू बना रहे हैं तुम्हें? सर इन्होंने जूलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि इनके टूथब्रश होता है कि नहीं। उनकी इनके लिए अलग होता है जिसमें फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, फ्लोराइड फ्री होना चाहिए। तुमने क्या कहा इनको, ब्रश करो? हाँ इनका ब्रश करो, और ये इतने अच्छे वॉलंटियर्स हैं, बिना कॉमन सेंस के करने लगे। परमिशन ली गई थी जो थी शूट कर रहा है उसमें, नहीं एक सेंस नहीं बता सकता था कि नहीं ब्रश कोलगेट नहीं यूज किया जाता है। आपकी तो एज भी बड़ी हमसे, हम तो बच्चे हैं, 18 ईयर ओल्ड और आप 19 ईयर ओल्ड, तो ब्रश तो कर रहे हो ना 18 साल से? आप नहीं कर रहे हैं? नहीं हम भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता। देखना विक्की विक्की का बकरा बन रहा है। देखो सर हमने इनको बोला कि ब्रश करना है जानवरों का, और ये लग गए सर, इन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया किसी ने। तो वो तो तुमने पीपल फार्म का नाम मिसयूटिलाइज किया है ना। दिमाग लगाएंगे तब भी आप बोलोगे अपना दिमाग मतलब। हाँ। जो बोलते हैं जो बोला है वो करो। ओनली थिंग इज कि आप पूछ सकते थे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम एनिमल्स को कर सकते हैं क्या, या हम कोलगेट यूज कर सकते हैं क्या, इस टाइप के सवाल तो पूछ सकते। ट्रीटमेंट सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, आपने खुद का दिमाग यूज, खुद से क्वेश्चन करना है कि देखो भाई ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है या क्या क्या यूज। ये हमने हर चीज को पहले क्वेश्चन करना है कि व्हाई। तो स्ट्रीट इंटरव्यू में पहले पूछते हैं कि हम आपका फुटेज पूछ लो, अपलोड करना है ये फुटेज फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जाएगी, चलेगा? चल पड़ेगा, हाँ चलेगा। दोबारा बोलना चलेगा ना? पूरा जाएगा ना? क्यों नहीं पूरा जाएगा, आपका वाला पार्ट भी जाएगा। तो कैसा लगा आपको जानवरों का टूथब्रश करके? बकरा। रानी जी आपको कैसा लगा? फीलिंग प्रैंक। अभी तो आपके पास हफ्ता है रिवेंज प्लान करने का। बहुत रिवेंज है, बहुत ज्यादा। इन लोगों से केस के बारे में रिपोर्ट कराना, साहिल ने बता रहे हैं कि लेपर्ड अटैक हो सकता है क्योंकि इंजरीज काफ़ी सीवियर है, बड़ी है, कोई डॉग अटैक लग नहीं रहा है वो ना, बहुत जगह से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ है। डॉग है, बछड़ा है क्या है? डॉग है। और बच्चे? अच्छा अच्छा, उनको तो वही लग रहा था कि लेपर्ड अटैक है, लेकिन वो जंगल के सामने ही है ना, बिल्कुल एरिया जो है वो चल रही है, बड़ी बात है। यहीं से आपको लग जाता नहीं लेंगे पता? सर हमारे पास जगह तो है सर, जगह नहीं है हमारे पास, लेकिन गठरी जिसका आज सूचर्स ओपन हुआ है और उसको योल से ही रेस्क्यू किया गया था, साहिल ही लेकर आया था उसको यहाँ पर, सूचर्स ओपन हो गए। 2-3 दिन जो स्कैब के लिए हम लोग ऑइंटमेंट लगाने रखते हैं वो साहिल वहाँ कंटिन्यू कर सकते। व्हेन यू आर सेइंग सूचर ओपन हो गए, हमने मतलब नॉन डिसॉल्वेबल वाले लगाए थे, अब हमने सूचर हटा दिए। कई बार जब हम कहते हैं सूचर ओपन हो गया, वो होते हैं कि जब हम चाह नहीं रहे होते, सूचर्स नहीं लगाए थे, स्टेपल्स वो हटाने थे आज, वो हो जाएंगे, तो उसके जगह में गटरी को हम रिलीज करके इसको यहाँ ला सकते हैं।
स्टेपल्स अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये वो स्टेपल नहीं है जो पेपर पे लगते हैं, मेडिकल स्टेपल्स, अलग से एक स्टेपल गन आती है उसी के अंदर स्टेपल्स रहते हैं और एक वो टांकों की जगह लग जाते हैं, मेरे ख्याल से ह्यूमंस के लिए अक्सर यूज होते ही हैं ये, और उस स्टेपल्स की बात करिए। हाँ जी, उस दिन हमारे यहाँ एक इन्फ्लुएंसर भी आए जिनकी हिम्मत तो काबिले तारीफ है ही है, पर एक और चीज है जिसकी वजह से मुझे बाकी इन्फ्लुएंसर से काफी अलग लगी। तो वैसे जो आपका भारत भ्रमण रहा अकेले बाइक पे, तो ऐसे अनसेफ लगा? डेफिनेटली यस। तो जैसे जितना मीडिया बताता है अनसेफ है लड़कियों के लिए, उतना है अनसेफ तो है? जब भी हादसे से होते हैं, दैट इज ड्यूरिंग नाइट टाइम, सनसेट के बाद ही होता है। और जो भारत भ्रमण करके उन्होंने इन्फ्लुएंस इकट्ठा किया, उसको वो जानवरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। किडनी इज रेडी फॉर अडॉप्शन, वी आर लुकिंग फॉर अ होम इस छोटू के लिए। प्लीज फट फट डीएम मी और यू कैन डीएम पीपल्स फार्म एंड इसको अडॉप्ट कर लो, इसको चाहिए घर। वी आर लुकिंग फॉर अ होम, लुक हाउ क्यूट दिस पर्सन इज। आप एनिमल लवर? Yeah. सारे एनिमल या डॉग खास? ऑल। या शीज। ऑल। इनके पास गाय है, मेरे पास एक डॉग। आई गॉट 11 काउज। अभी एक है। 11 गाय अडॉप्ट करके डेयरी है? नहीं नहीं यार, डेयरी भी नहीं है हमारे ही, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। वो थी तो दो ही, फिर वो होते 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 फिर वो एक दूसरे का ही हो गया। तो ये इसीलिए अपन कहते हैं कि डेयरी सस्टेनेबल नहीं है ना। डेयरी कराई नहीं ना हमने। नहीं नहीं नहीं, डेयरी एज इन मिल्क सस्टेनेबल नहीं है ना। हाँ यार, बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्योंकि अब वो गाय मल्टीप्लाई हो रही है। गाय दूध तो तभी देगी ना जब बच्चा देगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए सस्टेनेबल नहीं है। हाँ। कि अल्टीमेटली कितने बच्चे पाल लोगे आप? कितने बच्चे पाल लोगे? मेरे को सारे जानवरों से प्यार है, बट नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो जब मैं कहता हूँ आई लव चिकन, आप कहते हो आई लव चिकन, तो दोनों का तात्पर्य फर्क होता है। फर्क है। हमने अभी एक स्ट्रीट इंटरव्यू किया, हमने पूछा हाँ। लोगों से ना सवाल। हाँ बोलिए। इनसे पूछ सकते हैं? पूछ, हाँ पूछिए ना प्लीज। हाँ। तो आपको लगता है हाँ। कि आपको मुर्गियाँ खाने का अधिकार है? नहीं बिल्कुल नहीं है, हमें जान किसी और की है। मैं पर्सनली इसलिए खाता हूँ बिकॉज जो टेस्ट उस मसाले में आ जाता है, तो स्वाद की वजह से खाते हो मेनली। एक तो ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग ऑनेस्टली कहते हाँ। हैं ना कि भी कोई रीजन, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, हमें हाँ। पता है कि हाँ। गलत है, पर हम कर रहे हैं। ये जरूर मानता हूँ कि आपको कोई भी चीज को मारने का अधिकार नहीं है, अगर वो लिविंग चीज है तो। मतलब दर्द महसूस कर सकती है, नहीं तो फिर लोग फिर वो शुरू हो जाएंगे प्लांट्स फील पेन। प्लांट्स आर लिविंग। अरे हाँ यार, वो भी तो है। मैं उन्हें समझा के थक गया कि ठीक है मान लिया, प्लांट्स को भी दर्द हो जाता है, मैं ये भी मान लेता हूँ। तो जानवर हवा पे थोड़ा पल रहे हैं, पहले तुम प्लांट्स को मारोगे, जानवर को खिलाओगे, फिर तुम जानवर भी मारोगे। हाँ। इससे अच्छा भाई तुम प्लांट्स ही मार लो सिर्फ। मुर्गा हो गया एडजस्ट? हो गया, कोई लड़ाई नहीं हुई। वो बिल्ली तो नहीं आई दोबारा? नहीं। और वो तो ठीक है अपना आकाश। हाँ। हाँ, बेटर है। अभी इस समय कहाँ पे? पीछे काउशेड में जो चिकन हाउस है उसमें अंदर में उसको खुला छोड़ते हैं। आती है चिकन हाउस में अंदर? उसको यहाँ नहीं ला सकते, उड़ नहीं पा रहा ना अभी, तो सेफ होगा नहीं होगा इसलिए नहीं ला रहे। बिल्कुल ही नहीं उड़ पा रहा, बाहर निकाल के देखा नहीं है, लेकिन उसके पंख में इंजरी थी ना, तो वो यूज तो कर नहीं रहा था, पहले भी आया था तो इंजरी ही लोग, पंख थोड़े थोड़े आने शुरू हुए हैं। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। उधर घुमाओ कैमरा, वो देखो वो मुर्गा कर रहा तपस्या। बाबा रे, ये सारे इतने मुर्गे घूम रहे हैं ना। ज्योति गए पालमपुर, और आज तो वही गए ना पालमपुर, अपना उसका नाम भूल जाता बेचारा जिसके लावारिस। हाँ लावारिस। ये इसका फिर किसी ने पंख नोच लिया क्या? सर ये मार रहा बार बार ना आगे। ये बदतमीज हो गया, जैसे कि खड़ा हो जाता है किसी को नहीं आने देता। चूचू। हाँ। और ये अमरूद सही से इंटीग्रेट हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, ये तो कुछ शरारत नहीं कर रहा, पर चूचू जो वो बेटी को परेशान जरूर कर रहा है। अगर आप पहली बार हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं आपको अपने कम से कम सारे मुर्गों से इंट्रोड्यूस कराया था। ये चूचू बदमाश, अमरूद, इसकी पीछे पिटाई कर रहे थे वो एंथनी और किटकिट, तो ये यहाँ पे आ गया है। और श्वेता हमारी काली मुर्गी, और ये बदतमीजी से कौन नहीं जानता, जो कि मुर्गा नहीं है और शरारती ये भी है राजा। अभी हम एक लंगूर के रेस्क्यू पे आए हैं। छोटा सा बेबी है, वो पेड़ पे फंस लगा था, तो बड़ी इसकी मदर जो है बचाने आई, तो फिर बचाते बचाते ये करंट की तार के साथ ये टच होगी, तो फिर सडनली इसकी डेथ होगी। फिर तेरी मम्मा है, एक इसकी मम्मा है, चलो मम्मा को बोलो उठो। अभी अलग करेंगे ना माँ और बच्चे को, छुपा के माँ को छुपा के बोरे में डाल के फिर लेके लेते हैं।
पीछे सब ठीक है? वो भाग गई थी ना छोटी वाली गिन्नी। हाँ, वो गेट से नीचे इतनी सी जगह ना ग्राउंड के लिए, उससे नीचे से निकल के खेतों में चली गई थी ना। बुलाया मतलब सीटी मार के वो बुला के ऑफिस आ जाती है। आपका स्टे ठीक है पीछे? बहुत अच्छा स्टे है यहाँ के, बिल्कुल डिफरेंट सा कंसेप्ट और एक लगता है कि कुछ अच्छी जगह पर रुके हैं। आपके साथ एक डॉग भी है ना, शिवानी कर दी, काफ़ी वेल बिहेव्ड है। इनके एक फ्रेंड थे तो वो उनका छोटा पोता हुआ था तो वो नहीं रखना चाह रहे थे, वन ईयर की थी वो। अच्छा। तो वो कहते हम नहीं रखना चाह रहे बिकॉज वो क्रॉल करता है। तो उन्हें पता था कि हम डॉग लवर हैं, तो कहते आप रखोगे? हमने कहा हाँ। बहुत अच्छी है, सैम है, वो भी रेस्क्यूड है, मतलब वो अबैंडन करके आपने उसको घर दे दिया। ये जिम्मेदार पेरेंट है, इनके पास 5 डॉग्स हैं, एक को साथ लेके आए हैं, बाकी 4 को एडजस्ट करके आए हैं, एक को किसी बोर्डिंग में है, 2 दोस्त के पास हैं आपके घर पे, 2 दोस्त रुके हैं तो वो देख रहे हैं तीनों को। तो अच्छा, पेट सिटर। ए नाइस बटन, पीपल फार्म रिप्रेजेंट।